रामायण काल में राजगिद्ध जटायु की गाथा सभी जानते हैं, लेकिन पर्यावरणीय खतरे के चलते जटायु के वंशजों के अस्तित्व पर ही संकट आ गया। इस संकट को दूर करने का संकल्प उठाया है योगी सरकार ने। राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर के संरक्षण व संवर्धन के लिए गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी में देश का पहला रेड हेडेड वल्चर संरक्षण व संवर्धन केंद्र बनाया जा रहा है। इस केंद्र के बनने से राजगिद्ध की संख्या बढ़ेगी तो इनके जरिए पर्यावरण की शुद्धता भी। विलुप्त होती प्रजातियों में शामिल इन जीवों को देखने के लिए सैलानियों की आमद बढ़ने से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के मद्देनजर वन्यजीव संरक्षण इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका के अवसर पर सिविल लाइन स्थित दिग्विजय नाथ महाविद्यालय के प्रांगण में गिद्ध संरक्षण संवाद का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्यजीव पी के दुबे रहे, जिनका स्वागत अंग वस्त्र से महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। आपको बता दें कि विद्यालय के छात्र छात्राओं को राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर के संरक्षण व संवर्धन के बारे में बताया गया। राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर कैसे खत्म हो रहे यह सभी को बताया गया कि जो बीमार जानवर होते हैं उनको डीटाफिनाल दवा दी जाती है। जानवर को मर जाने के बाद जब गिद्ध उनको खाते हैं तब दवा का केमिकल गिद्ध के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद वे मर जाते हैं। उस दवा की वजह से धीरे धीरे गिद्ध खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को मिलाकर 99% राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर खत्म हो गए। गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत महाराजगंज जिले में भारी वैसी में भारत के पहले रेड हेडेड वल्चर प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र के निर्माण के लिए सरकार रकम जारी कर चुकी है। सितंबर के पहले शनिवार 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। डीएफओ के मुताबिक वन विभाग का प्रयास है कि सभी कार्य पूर्ण कराकर इस तिथि विशेष पर जटायु संरक्षण व संवर्धन केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराया जाए। 5 हेक्टेयर जमीन पर बनाए जा रहे इस केंद्र के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और प्रदेश सरकार के बीच में 15 साल का समझौता हुआ है। गिद्धों के संरक्षण के लिए शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के नियम बनाएं। वर्तमान में दुनिया में बहुत कम गिद्ध बचे हैं। इसे देखते हुए गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा तैयार डीपीआर के मुताबिक इस जटायु संरक्षण केंद्र से आगामी 8-10 साल में 40 जोड़े रेड हेडेड वल्चर छोड़े जाने का लक्ष्य है। गिद्ध संरक्षण से पर्यावरण के शुद्धि का माध्यम मिलेगा। यह सभी जानते हैं कि गिद्ध प्रकृति को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। संरक्षण केंद्र बनने से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें देश विदेश के लोग पहुंचकर देश की प्रकृति व वातावरण का अनुभव साझा करेंगे। गिद्ध संवर्धन केंद्र के निर्माण से पर्यटन की संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। इस अवसर पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं उपनिदेशक BNHS डॉक्टर विभू प्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाविद्यालय की छात्रा सृष्टि अलक्षित, पल्लवी सिंह और DFO विकास यादव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उत्तर प्रदेश PK दुबे ने कहा। अतिथिगण से मिलने को और कि आपका यहाँ इस प्रांगण में आगमन हुआ, आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अब और लेट ना किए बिना हम लोग पुष्पांजलि और अब हमारे मुख्यमंत्री और समस्त भूमिका में है प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश श्री KP दुबे जी। वन्य जीव उत्तर प्रदेश हमारे बीच हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत भी करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सिंह जी IQAC संयोजक। को भी
जो आज का विषय है उसके संबंध में हम आपके बीच उपस्थित हैं। मीडिया के बंधु कुछ हैं, उनको मैंने अभी 2 मिनट की बैठ दी, उसमें मैंने अपना विषय बताया है, वो अवगत होंगे। जो ये विषय है आज का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी जो जीव विज्ञान के छात्र होंगे, बायोलॉजी के छात्र होंगे, विशेष करके जो प्राणी शास्त्र विभाग के छात्र होंगे, वह इसको बहुत अच्छे से, और हम जब सभी जन सामान्य इसको जानते हैं कि गिद्ध हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण तंत्र में कितने महत्वपूर्ण है, और हमको पता नहीं कितने लोगों से हमें बचाते हैं और प्रकृति के शोधक माने जाते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी जो जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, और हमारे जो मवेशी हैं, गाय है, भैंस है, जो लोग पालते हैं, बकरी है, जो भी पालते हैं, जिनकी जो अंतिम उसको प्राप्त करते हैं, गति को प्राप्त करते हैं, ऐसे जानवर जो छोड़े जाते हैं, उनकी सफाई का काम जो, और भी इसके साथ गिद्ध के साथ और भी जानवर हैं, लेकिन गिद्ध जो सफाई करते हैं, अंतिम रूप वही सफाई को देते हैं। अगर किसी अन्य जैसे बाघ है, तेंदुआ है, या जो सियार है, इस तरह के भी प्राणी अगर किसी कैरकस को खाते हैं, तो उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें उसमें बची रह जाती हैं, जिसको कि अंतिम शोधक के रूप में गिद्ध ही काम आते हैं। तो आप इस बात को समझिए, विशेष करके जो प्राणी विज्ञान और जो वनस्पति शास्त्र के लोग हैं, छात्र हैं हमारे बीच, या जो हमारे अध्यापकगण हैं, प्राचार्य और सह प्राचार्यगण हैं, ये लोग इसको समझ सकते हैं। और आज की डेट में तो इतना आउटरीच हो गया है कि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति हम में से इतना सामान्य विज्ञान तो जानता ही है, चाहे आप अपने पर तैयारी करने के लिए भी हम इस संरक्षण केंद्र को आगे और बढ़ाएं। इसमें मुख्य रूप से जो यह संरक्षण केंद्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश का एकमात्र यह संरक्षण केंद्र होगा। सृष्टि, हमें गिद्ध के बारे में जानने को मिला कि किस तरह से वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न ये है कि एक दवा होती है जो वेटरनरी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जो बीमार जानवर होते हैं उनको देने के लिए, डाइक्लोफेनाक। तो वो दवा जब गाय या जो भी जानवर खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं, और उसके बाद जब गिद्ध उस मरे हुए जानवर को खाता है, तो वो केमिकल्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर उसके बाद गिद्ध मर जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके उस दवा के वजह से गिद्ध ख़त्म होते जा रहे हैं। इतने ख़त्म हो गए हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को मिला के 99% वल्चर्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ 1% बचे हुए हैं। पल्लवी सिंह, एक कॉलेज में, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में, नेचुरल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कुछ प्रोफेसर्स आए हुए हैं, जो इसके जिसे आज संवाद कक्ष एक स्थापित किया गया है, जिसमें वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हम गिद्धों को कैसे संरक्षित करें, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पूरे 99% तक के गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, केवल 1% बचे हैं। इसलिए उन्हें संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, और इसी बारे में वो बताने आए हैं कि हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, हम गिद्ध को कैसे संरक्षित करें। गिद्ध हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो मर जाते हैं, उन्हें साफ़ करने के, मतलब उन्हें खा करके हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं, क्लीन रखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उन्हें बचाना, और इसी बारे में वो बताने के लिए आज हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में आए हैं। उनसे सीख हमें यही मिली है कि हम जो दवा यूज़ करते हैं, जिसका डाइक्लोरोफिनैक नाम है, वो दवा यूज़ करते हैं हम, गायों को बीमार में ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, उस दवा को हम कम से कम यूज़ करें, या फिर उसकी जगह किसी और दवा का यूज़ करें, क्योंकि वो गाय मरती हैं तो उन्हीं गायों को खा के गिद्ध, फिर उन्हें परेशानी होती है, गिद्ध भी मर जाते हैं, तो उन दवा की जगह किसी और दवा का यूज़ करें। अलक्षता, यहाँ पर हमें एक ब्रोकन विंग करके एक मूवी दिखाई गई, 9 मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, उसमें हमें बताया गया कि ये जो वल्चर्स हैं उनके मरने की वजह से क्या हो रहा है, ना जो डेड एनिमल हैं उनको खाने के लिए जब डॉग्स आ रहे हैं, तो वो डॉग्स खाकर उनको बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो इसके वजह से और जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और जो एनिमल्स हैं वो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो छोड़ रहे हैं उसको फिर डाइजेस्ट करने के लिए ये वल्चर्स ख़त्म हो जा रहे हैं, जिसके वजह से वो हमारे सॉइल को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें वायरसेस फैला दे रहा है, जिसके वजह से आगे चल के किसी भी मतलब अगर खेत में अगर कोई भी चीज़ क्रॉप करना है, तो उसके वजह से वो सारे टॉक्सिकेंट उसमें चले जा रहे हैं, और इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन सोसाइटी को ही हमारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज जो है गोरखपुर में हम लोगों ने गिद्ध संरक्षण को उद्देश्य मानते हुए
और गिद्ध संरक्षण के लिए हम लोग जो गिद्ध सेफ जोन जो हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार देश में एक नई पहल के दौरान बनाया जा रहा है, इसमें एक 100 किलोमीटर रेडियस को त्रिज्या लेते हुए जो है लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का हम लोग एक एरिया का जो चयनित कर लिया गया है उसको वल्टर सेफ जोन बना रहे हैं। तो उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए कि उसमें हम लोग ने कितनी तैयारी कर ली, आगे कितना करना है, वन विभाग उत्तर प्रदेश और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें पहले तो अब ये समीक्षा की गई कि जो वल्टर सेफ जोन है उसमें जो हमारे अलग अलग वन प्रभाग हैं उसमें क्या कार्य हो रहा है और गिद्ध संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे में क्या किया जा रहा है। इसी की कड़ी में अभी हम लोग ने जो है दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय है वहाँ पर अभी हम लोग इस संवाद का आयोजन किया जिसमें युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए युवाओं को गिद्ध संरक्षण, वन्य जीव और वन के संरक्षण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें इसके साथ ही गिद्ध संरक्षण के और वन्य जीव संरक्षण के साथ ही इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार को किस तरह से अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और युवा अपना भविष्य किस तरह इस क्षेत्र में देख सकते हैं उस संबंध में भी जो है संवाद किया जाएगा और युवाओं को मौका दिया जाएगा कि वो अपना कोई भी प्रश्न है इस संबंध में वो खुल के पूछ सकते हैं ताकि इस संबंध में और समाज में जागरूकता फैले। गिद्ध जो है एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं हमारे पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, और उनका विलुप्त होना कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए भी एक गंभीर विषय है। उसी सब इन्हीं सब चीज़ों को चर्चा करते हुए आज यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। हाँ, गिद्ध संरक्षण जो हम लोग रेड हेडेड वल्चर के संरक्षण केंद्र के रूप में जो भारी वैंसी में कैंपियरगंज के पास हम लोग ये केंद्र स्थापित कर रहे हैं और इसमें उद्देश्य यह है कि जो हमारे विलुप्त प्राय जो यह प्राणी हैं रेड हेडेड वल्चर जो राजगिद्ध होता है इसके संरक्षण के लिए यह एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आशा यह है कि यहाँ पर हम रेड हेडेड वल्चर की ब्रीडिंग करा करके और इन जो हमारे नए शिशु उत्पन्न होंगे इन्हें हम और वयस्क अवस्था में ले जाएंगे और जब यह वयस्क अवस्था में आ जाएंगे तो इन्हें फिर हम इनके जो सुरक्षित क्षेत्र हैं वन क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में जहाँ भी सुरक्षित क्षेत्र हमें मिलेंगे 100 किलोमीटर के दायरे में उनमें इन्हें छोड़ने की योजना है और हम समझते हैं कि इसको हम शीघ्र ही इसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इसको प्रारंभ करेंगे और गिद्ध संरक्षण में एक मील का पत्थर स्थापित करने में सफल होंगे।